बाकी बात मैं करने जा रहा अपनी जिम्मेदारी पे। हमारा मीरा मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा हो और अराकीन शूरा भी तशरीफ फरमा हो, सिर्फ आप इन मलंगों का इशारा करें, मुंडे जाओ फैसला वापस करा के लेके आओ। भोंके शोर मचावे क्यों ना मुझसे रसाले गुलशन अंदर कोई चीफ जस्टिस जैसा कुत्ता ना फेरा पावे। अभी अगर हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकात मुला लिया, अगर आप अभी इशारा फरमाते हैं तो कोई कोच सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलने के लिए तैयार है। तुम्हारा पावा पड़ा लड़कियां नचवाने वालों के साथ, ये है लपाक वाले चीफ जस्टिस नहीं उसका बाप भी वो कानून वापस लेकर आएगा इंशाल्लाह। कि नहीं जी वो तो हम रोक लेंगे, हमने कहा ये हुसैन के खातिम का खून है, इसको तो हड़ा प्यो भी नहीं डाक सकता। ये ना वो चमन जो रायवंड के अंदर गंजे पे गैरतों का जाति उम्रा में है, ये वो चमन भी नहीं जो नाचने वाले बेगैरतों का बनी गाला में है, ये वो चमन भी नहीं जो जरदारी का है, ये चमन है जिसके बारे में हमारे पीर मुर्शिद शेखुल हदीस इमाम हुसैन के खादिम रहमतुल्लाह ताला ने आ फरमा गए कैसी कुत्ते पाक रसूलुल्लाह दे। भोंके शोर मचावे क्यों ना मुझसे रसाले गुलशन अंदर कोई चीफ जस्टिस जैसा कुत्ता ना फेरा पावे। इस वास्ते हाँ भी शेरो, अभी अगर हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया अलामा साद हुसैन रिज़वी साहब दामत बरकात मुला लिया, अगर आप अभी इशारा फरमाते हैं तो कोई कोच सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलने के लिए तैयार है। तुम्हारा पावा पड़ा लड़कियां नचवाने वालों के साथ, ये है लपाक वाले चीफ जस्टिस नहीं उसका बाप भी वो कानून वापस लेकर आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी तैयारी है फिर सुप्रीम कोर्ट जा रास्ते। हमारे अमीर मोहतरम का एक इशारा, हमारे अमीर मोहतरम का एक इशारा, अमीर मोहतरम का एक इशारा, इनको हो गई भूल। ये क्या समझते हैं कि वो दो टके का चीफ जस्टिस, वो तो कुत्ता भी नहीं बनता। आज कुर्सी के ऊपर बैठ जाने के बाद मुनकरीन खत्म नबूवत को खुला दरवाजा देने वाला और कानूनी हेर फेर करके शिक्कों के साए के नीचे कादियानियों को तबलीग और इशाद की इजाजत देने वाला, तुम क्या समझते हो? तुम कहते हो जी कानून बन गया, बस हमारी जजमेंट आ गई, असि क्या पूरी दुनिया आ जाए चीफ जस्टिस लाख वाली जान के आ जाए, सब पहले बोर्ड के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। और बाकी बस बात खत्म, जिनको आज अपनी ताकतों पे बड़ा नाज, बदमाशियां तुम्हारी, रात के छापे तुम्हारे, जो कारकुन हजूर का गुलाम मिला इतना भी हया ना किया, नहीं तो उसके बुजुर्ग वालिद को ले गए। हमने कहा तुमने सब कुछ करके देखा लेकिन ये मैदान तो पहले से भी ज्यादा ऊपर के आ गया, ये तो पहले तो भी ज्यादा हजूर के गुलाम आ गए, यही तो बात है कि ये जबरों का हर नहीं, ये इश्को मस्ती है। और बाकी बस बात इतनी है, अल्लाह ताला के फजल हजूर की निगाह और अमीर मुजाहिदीन के फैज की बरकत से जिन्हें तुसी आज ए बैठे हो ना कि नहीं जी वो तो हम रोक लेंगे, हमने कहा ये हुसैन के खातिम का खून है, इसको तुम्हारा प्यो भी नहीं डाक सकता। बाकी बात मैं करने जा रहा अपनी जिम्मेदारी पे। हमारा अमीर मोहतरम यहाँ तशरीफ फरमा हो और अराकीन शूरा भी तशरीफ फरमा हो, सिर्फ आप इन मलंगों का इशारा करें, मुंडे जाओ फैसला वापस करा के लेके आओ।
امیر محترم کا خود روانہ ہونا اور سارے قافلے کی خود قیادت فرمانا یہ تو بہت کجا بات ہے نا. صرف آپ اشارہ کرتے ہیں انشاءاللہ اسی انچ کے تے فیصلہ واپس کرا کے انچ واپس آئے. باقی انشاءاللہ جو بھی حضرت نے فرما دیا کن بند کر دینا ہے, تبصرے نہیں. حضرت فرما دینے چلو اسلام آباد تے کون کون جائے گا جی, آپ فرما دینے چلو سپریم کورٹ تے کون کون جائے گا جی. Thank you.